कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वैश्यं ददाति शोपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुतं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानुतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष संवाद पाश्चात मुखं करोति वाचालं पंकं लंघयति गिरिं यत् कृपा त्वं वंदे श्री गुरुदिनतारिणी श्री चैतन्येश्वरं परमात्मनः। हरे कृष्णा। तो कृष्ण कथा लगभग पिछले 5 दिन से चल रही है, आज 5वां दिन है। तो कल हम कहाँ तक पहुँचे थे कोई याद करेंगे? सार्थक ब्रो कहाँ पहुँचे थे कल? नहीं याद है। कंस जो है, कंस सबको हरा हरा के सेवक बनाता था। जितने भी असुर थे वो सबको उसने हराया था, चाहे त्रिणावर्त हो, अघासुर हो, बकासुर हो, है ना, व्योमासुर हो, बाणासुर हो, सबको हरा के उसने क्या बना लिया, अपना सेवक बना लिया। और सेवक बना के फिर जाके देवता लोक में आक्रमण कर दिया। हाँ, तो आक्रमण किया तो क्या हुआ, देवता लोग भी हार गए। इंद्र के साथ बहुत युद्ध हुआ कंस का, लेकिन एक समय इंद्र भी जो है वो हार गए। ऐरावत हाथी का जो है दांत को जो है तोड़ दिया, उसका सूंड पकड़ के जो है घुमा घुमा के कई योजन तक फेंक दिया कंस, बोले इतना शक्तिशाली था। इसी प्रकार देवता लोक में विजय हासिल करके इंद्र का आसन को उठा के मथुरा लेकर आ गया। यहाँ तक हम पढ़े थे, है ना। तो आज फिर हम और आगे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ
देवकी का विवाह करना। विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी के शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहितक पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे, उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे, उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौंरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। मथुरा का बता रहे हैं, हाथी जो है घूमते थे और भौंरे जो है कानों के पास ऐसे करके आवाज करते थे। इस प्रकार वो राजद्वार उन भ्रमरों के नाच से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंड स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वो स्थान समावृत था। उनके मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भट वीर कवच धनुष ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। कहाँ? मथुरा में रथ हाथी घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना तथा मंडली द्वारा भी वो राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर, गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। राजा कौन था? उग्रसेन। अक्रूर देवक कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदों से सुशोभित थे तथा उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। ये पहले की आचरण था, अगर कोई मुनि को देखेंगे, मुनि या साधु को देखेंगे तो राजा भी जो है वो क्या हो जाते थे? उठ जाते थे। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बैठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। आप लोग आवाज मत करिए। हरिबोल चुप रहिए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महान मता महर्षि ने नीति वेत्ता यादु श्रेष्ठ से देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। अर्थात ये जो सलाह है, वसुदेव जी देवकी को विवाह करेंगे, ये सलाह कौन दिया था? गर्ग जी ने दिया था, क्योंकि गर्ग जो है वहां के पुरोहित थे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गर्ग जी उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया।
और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधु देवकराज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। रथ जो है क्या हुआ था, अत्यंत रथ सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों से की शोभा से संपन्न नववधु देवकी और वसुदेव जी बैठे हुए थे। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। कंस जो है बहुत प्रेम करता था किसे, वसुदेव जी को बहुत सम्मान देता था, क्योंकि वसुदेव जी ना बहुत सत्यवादी थे, बहुत विश्वसनीय थे। वैसे वसुदेव जी के भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन ये जो है आखिरी पत्नी, देवकी जो है आखिरी पत्नी थी। वो अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ आकर गमनोद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हांकने लगा। रथ जो है वो सारथी चलाता है, जैसे गाड़ी जो है कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। लेकिन उसने अपने प्रेम से कि भाई आज तो जो है मैं अपनी बहन और वसुदेव के लिए आज ड्राइवर बन जाऊंगा, सारथी है। और इतना प्रेम, लोग भी सोच रहे हैं बाप रे क्या प्रेम है, युवराज कंस जो है आज क्या बन गए, ड्राइवर बन गए। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10000 हाथी, 10,00,000 घोड़े, 1,00,000 रथ और 2,00,000 गौएं प्रदान की। हमारे पास इतना रास्ता भी नहीं है, अगर इतना हो जाएगा तो रोड पूरा गया शहर जाम हो जाएगा, है कि नहीं। मुझे लगता है पूरा गया शहर में भी आ नहीं पाएगा इतना चीज है, जिसका मतलब कितना समृद्ध होगा मथुरा शहर जो है उस समय, कितना समृद्ध होगा है? उसके साथ भी फिर और बारात भी होंगे, है कि नहीं। उस विदा काल में भेरी उत्तम मृदंग बजता था, उसमें गोमुख, धंधुरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी, तो इस बात को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। आकाशवाणी हो रहा है, गूंज रहा होगा ना, सब जगह में गूंज रहा होगा। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था, स्वभाव से भी वो अत्यंत खल था, दुष्ट था। लज्जा तो उसे छूनी गई थी, वो निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली और बहन की के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए, जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे, सबके मुंह पर मूर्धनि छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, बोलो एकदम एक मोमेंट में क्या करेगा, मार डालेगा है? सब लोग एकदम आचंबित है ना, मारने के लिए कितना समय लगेगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना तलवार और विश्व विजयी कंस जो है देवताओं को भी हरा के आया है,
लेकिन वसुदेव जी जो है बहुत ही बुद्धिमान थे और है ना बहुत सहनशील थे। मतलब इस प्रकार के समय में वसुदेव जो है वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं है ना, कैसे बोल रहे हैं है ना। मतलब अपनी नव विवाहिता पत्नी को कोई मारने जा रहा है, लेकिन वो वसुदेव जी कैसे बोल रहे हैं कंस को, भोजेंद्र है ना, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं, भौमासुर जरासंध बकासुर वत्सासुर बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की है। वे ही आप तलवार से बहन का वही तलवार से आप बहन का वध करने का कैसे उद्यत हो गए। बकासुर के बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। जब बकासुर को कंस मार दिया, बकासुर अघासुर की बहन कौन थी, पूतना, तो जब बकासुर और अघासुर को जो है हरा दिया कंस ने, मारा तो नहीं हरा दिया, तो क्या हुआ कि उसकी बहन पुतना जो है आगे लड़ने के लिए, तो कंस ने कहा अरे तुम तो स्त्री हो, मैं स्त्रियों से नहीं लड़ता है ना, तुम्हें मैं बहन बना रहा हूँ। तो ये वसुदेव कह रहे हैं जब उसके साथ आप ना लड़के उसको बहन बना दिए और अपने खुद की बहन को मार रहे हो है? किस विचार से आप इस अनुचित कृत्यों में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है, आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दयापात्र है, यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्त वृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है यह समझकर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोलने लगे। देखे कि मान नहीं रहा है तो फिर और कुछ लगाएंगे है ना। इसी प्रकार है व्यक्ति को जो है सिचुएशन के हिसाब से है ना अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करना चाहिए है ना। और कोई होता तो क्या करता, लड़ना शुरू करता कंस के साथ, लेकिन वसुदेव जानते हैं कि मैं इसके से लड़के जीत नहीं पाऊंगा है ना, है कि नहीं। इसी को प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, एग्जाम्पल देते थे कि कहते ना कि जो बुद्धिमान है वो बलशाली है, प्रभुपाद जी कहते थे है, बुद्धि यश्य बलम तस्य, ऐसे है ना एक है संस्कृत में। प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल देते थे कि एक बार क्या हुआ, एक जो खरगोश को एक शेर ने जो है पकड़ लिया खाने के लिए, तो खरगोश कहता कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपको भोजन है ना कराने के लिए ही आ रहा था, अच्छा तो होगा, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे खा जाए। लेकिन क्या हुआ कि बीच बीच रास्ते में एक शेर ने जो है कहा कि नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा, खरगोश कहता है, मैं कहा नहीं नहीं वो कंस जो है मैं उसी का भोजन बनना चाहता हूं, तो लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो वो शेर को जो है ना वो बड़ा है ना गुस्सा आ गया, कहता अच्छा, क्योंकि जंगल में एक ही शेर होता है ना, दूसरा शेर नहीं होता है, तो कहता कि चल दिखा मुझे कौन सा शेर है। तो खरगोश उसको ले गया और लेके कुआं में दिखाने लगा, देखो ये कुआं में है, और शेर सही में देखा कि वो नीचे क्या है, नीचे पानी था, पानी में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, देखा वो कूद गया
कूद गया किस में, कुएं में। हरि बोल। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं वसुदेव जी, क्या कर रहे हैं, बुद्धि बुद्धि है कि नहीं। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन इस देवकी से तो आपको कभी भय है नहीं, आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वो उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग ना जाए, ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर को घेर लिया। सोचा कि भाई वचन तो दिया है कहीं भाग ना जाए, तो वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने 1 कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। क्या नाम था, मतलब जन्म हो के मर रहे थे फिर भी नामकरण हो जा रहा था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए, वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वो बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते, सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होगा। तो कंस के मन में क्या हो गया, दया आ गई है ना, कि अरे अपना बच्चा को आके सौंप दे रहा है मुझे मारने के लिए, इसका मतलब बहुत सत्यवादी है। तो इसलिए कंस के मन में क्या आ गया, दया। कंस ने कहा, वसुदेव जी ये बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन कंस के यो कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट गए, परंतु उस दुरात्मा के वचनों को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया, कौन, नारद मुनि गए है ना, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है ना, अगर वो देवकी और वसुदेव के प्रति दया करेगा तो क्या होगा, भगवान भी बहुत दयालु है, तो भगवान सोचेंगे चलो ठीक है मेरे माता पिता के ऊपर अगर दया कर रहा है तो भगवान थोड़ा समय ले लेंगे आने में, है ना। इसी कारण जो है गड़बड़ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कहाँ पहुँच गया, ना कौन पहुँच गया, नारद मुनि पहुँच गए वहाँ पर। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वो मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार है और विश्वानु आदि देवताओं के। नरेश्वर कंस इस ब्रजभूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करती है। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृष्णवंशी है वे सबके सब मूलत देवता ही है। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामतो गति है। बोले ये जितने भी है ना तुम देख रहे हो ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये सब देवताएं हैं, है ना। और
फिर भले ही जो तुम गिन रहे हो ना, 1 2 3 4, तो देवताओं की गिनती जो है आपको पता नहीं है। हो सकता है जिसको आप एक समझ रहे हो वही आठवां होगा कि नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर उससे यो कहकर जब मैं चला गया, तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध आया। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया। अभी तक नहीं कैद किया था, है ना। जब नारद मुनि बोले तब जाके क्या किया, कैद किया। अभी गृह बंदी बनाया था, है ना। और देवकी के उस प्रथम गर्भजात जनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालकों को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित उठे। उग्रसेन ने देखा, उग्रसेन राजा तो उग्रसेन है ना, कंस तो जी अभी युवराज है, तो उनको बड़ा क्रोध आया उग्रसेन। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्रायों को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हो गए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़गहस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। अब जो है उग्रसेन और कंस बाप बेटे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। कहां पे युद्ध हो रहा है, राजसभा, कोई युद्ध क्षेत्र में नहीं, राजसभा में युद्ध हो रहा है। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदनंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राज राजेश्वर इस प्रकार दुष्ट और मद मद कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं का धराशायी करके अपने पिता को ही कैद कर लिया। किसको, उग्रसेन को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतार कर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे, उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का सातवां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी के कुक्षी में के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, ओहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। तो सातवें गर्भ में कौन आए थे,
अनंत शेष आए थे बलराम जी, और बलराम जी जो है बलराम जी को शिफ्ट कर दिया गया, गर्भ से शिफ्ट कर दिया गया। माया देवी जो है कहाँ पे शिफ्ट कर दी, रोहिणी माता के गर्भ से। एक्चुअली रोहिणी माता भी मथुरा में रहती थी, लेकिन जैसे ही जो कंस जो है वो किया ना, जो आक्रमण किया, तो इसको देखकर वसुदेव जी क्या किए कि सभी पत्नियों को मथुरा में नहीं रखे थे, इधर उधर से भेज दिए थे, और रोहिणी को जो है कहाँ भेज दिए थे, मथुरा में नंद बाबा के वहाँ, सॉरी गोकुल में, गोकुल में भेज दिए थे। तो उनके गर्भ में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। कैसे गिर गया ब्रज में, उस गर्भ को गए पांच ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र के नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। जय बलराम जी की। बलराम जी जो है गर्भ को जो है डेकोरेट करके चले गए, भगवान आएंगे ना, है कि नहीं। उच्च स्थान में स्थित पांच ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जन्म कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10,00,000 गौवें प्रदान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायों को के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। मैं भी वही सोच रहा था कि अगर किसी के घर में 9,00,000 गाय है तो अगले साल तो दुगना हो जाएगा ना, है कि नहीं। लेकिन क्यों ऐसा होता था, क्योंकि नंद बाबा जो है दान कर देते थे, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 10,00,000 गाय दान कर दिए, है कि नहीं। इसी कारण जो है गौ कहा गया है कि नंद बाबा के घर 9,00,000 ही रहते थे, है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे 3 गाय रहती है हमेशा, बढ़ते हैं तो हम उनको गांव भेज देते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया गया। देवल देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो नारद जी कहते हैं मैं भी पहुंच गया था, और व्यासदेव जी और सब हम लोग सब जो है पहुँच गए थे। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुने इसका जन्म पांच ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। नंदराय ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। हे मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपी धारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यासदेव जी बोले, भगवान आप देवताओं के श्री अधिदेवता और कामपाल है, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत शेष अनंत देव शेषनाग है, बलराम है, आपको मेरा प्रणाम है।
आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश हाथ में हल धारण करने वाले सहस्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव है, आपको मेरा नमस्कार है। रेवती रमन, आप ही बलदेव और श्री कृष्ण के अग्रज है, हलायुध और एवं प्रलंबासुर के नाशक है। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बल बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौर वर्ण और रोहिणी के सुपुत्र है, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक मुष्टिक कुंभांड रुक्मी कूपकर्ण कूट और तथा बल्लोल के शत्रु है, कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की और आकर्षित करने वाले आप ही है। आप द्विविद के विनाशक यादवों के स्वामी तथा ब्रज मंडल के मंडन है, आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु है। बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा करते करते गया जी भी आए थे। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही है। प्रभु जगत की रक्षा कीजिए अपनी महिमा से, कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है, आप सुरेंद्र मुनिंद्र और फणिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ है, मुसलधारी हलधर तथा बलवान है, आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। बोले हरि बो। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा, उसी की सदा जय होगी और वो प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन पराशर नंदन विशाल बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवती कुमार श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इसके बाद फिर भगवान जो है वसुदेव के मन में प्रवेश हुए और वसुदेव के मन में से देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए। जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे तो उस समय सारी देवताएं आते हैं, सारे देवताएं आके भगवान जी को जो है स्तुति करते हैं देवकी माता के गर्भ में। और उसके बाद फिर समय आता है आज का दिन, तो भगवान जो है प्रकट होते हैं। हरि बोल। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं? चार भुजाएं होके प्रकट होते हैं, है ना। पूरा जो कारागार जो है एकदम आलोकित हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है भगवान की प्रकट होने से। और फिर जो है भगवान क्या जो देवकी और वसुदेव जी जो है स्तुति करते हैं भगवान जी को। फिर जो है भगवान अब माता पिता का कुंडली बताते हैं, है कि नहीं। हम लोग जन्म होते हैं तो हमारा कुंडली कौन बनाता है? माता पिता। और भगवान जन्म हो रहे हैं तो किसका कुंडली बना रहे हैं? अपनी माता पिता का, है। कह रहे कि आप जो है प्रश्नी थे, सुतपा थे, आपने इतना तपस्या किया था इसलिए मैं आपने चाहा था कि मैं आपका पुत्र रूप में जन्म हूँ, है ना। तो इसी प्रकार जो है भगवान बताते हैं। लेकिन क्योंकि देवकी माता के गर्भ जो हृदय में बहुत ही वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा था, तो उन्होंने कहा देखिए भगवान मैं आपको कैसे छुपाऊंगा, जब आपका चार हाथ है मैं कहाँ छुपाऊंगी आपको। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है जैसे बाल स्वरूप में आ जाइए। फिर भगवान जो है देवकी माता के को के बात रखकर किस में आ जाते हैं? बाल स्वरूप में आ जाते हैं। और फिर क्योंकि देवकी और वसुदेव जो है भयभीत हैं, वैसे
भगवान जी को कोई भय नहीं है। तो इसी कारण वो जो है वसुदेव जी को कहते हैं कि आप जो है मुझे लेकर जाइए गोकुल, और गोकुल में जो है अभी इसी समय यशोदा जी की गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है, और उस कन्या को आप लेकर आ जाइए और मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो भगवान जो वसुदेव जी जो है जैसे उनको लेते हैं, गोदी में लेते हैं, और जैसे चलते हैं तो अपने आप ही उनका जो जो है बेड़ी वगैरह वो क्या हो जाता है, अपने आप ही खुल जाता है, और दरवाज़ा जो है कारागार का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और सभी एकदम बहुत ही निद्रा में सो जाते हैं। और बाहर क्या होता है, बारिश होती है, एकदम तेज बारिश होती है ना। इंद्रदेव सोचे कि क्या है, इसी समय अगर इतना बारिश, मतलब बारिश करने से क्या होगा कि कोई लोग बाहर नहीं निकलेगा, बारिश होगी रात में, बारिश होगी तो कौन बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तभी तो पता चलेगा अरे वसुदेव कहाँ जा रहा है कि नहीं, कुछ कोई बोलेगा। तो इसलिए बहुत तेज बारिश करा रहे हैं, और जब और अब तो छोटा बच्चा है, जन्म हुए हैं, तो जो बारिश का पानी है वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए अनंत से सहा जाते हैं क्या करके, छतरी करके, ताकि पानी ना पड़े। और यमुना जी में जाते हैं तो यमुना जी में एकदम पहाड़ जैसा जो है ना, एकदम पानी उछल रहा है, तरंग है, लहर है। और वसुदेव जी सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, तो वसुदेव जी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक हाथ में पकड़ूंगा और दूसरे हाथ में तैरूंगा, ऐसे सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार जब प्रयास कर रहे थे तो जैसे ही यमुना जी का पानी भगवान के चरण में लगता है तो यमुना जी क्या हो जाती है, दो पार्ट हो जाती है, दो पार्ट हैं, और वसुदेव जी आराम से जाते हैं। और जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि सब सोए हुए हैं, यशोदा जी को पता भी नहीं है उनका संतान हुआ है या क्या हुआ है। तो वहाँ जाते हैं और उसको रखकर जो है भगवान जी को वहाँ छोड़कर, जो दुर्गा देवी थी, योग माया दुर्गा देवी थी, उनको लेकर आ जाते हैं भगवान, जो वसुदेव जी आ जाते हैं। और जैसे ही अपने कारागार के अंदर घुस जाते हैं तो तुरंत सारा बंद हो जाता है और कन्या जो है वो रोने लगती है। तो कन्या रोने लगती तो सब उठ जाते हैं, अरे आठवां गर्भ प्रकट हो गया, आठवां गर्भ प्रकट हो गया, जाके कंस को खबर देते हैं। कंस भी दौड़ के आता है ना, लेकिन दौड़ के आके क्या देखता है, वो कन्या है, और फिर भी वो तो मारेगा, उसका बोला कि कोई भरोसा नहीं है, है ना। लेकिन देवकी जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देवकी सोचती है कि देखो, एक तो ये कन्या मेरी नहीं है, ये कन्या जो है किसकी है, यशोदा की है। हालांकि जो पीछे पीछे जो छह पुत्र थे उनको कभी रोकी नहीं थे देवकी, लेकिन इनको जो है रोकने के प्रयास इसीलिए कर रही है कि मतलब दूसरे की कन्या को एक तो चुरा के लाए हैं, और चुरा के ला के फिर जो है क्या किया जा रहा है, उसको मारने के लिए दिया जा रहा है। तो मतलब इसी बात को सोच के देवकी जो है ना बहुत जो है प्रार्थना करती है कंस को कि देखिए यही आगे जाके ये तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी। इस प्रकार कहती है कि ये तो कन्या है, छोटी है, ये क्या नुकसान करेगी। लेकिन कंस जो है वो मानता नहीं है, वो क्या करता है, छीन लेता है, और छीन के जैसे ही पटकाने जाता है तुरंत वह उसके हाथ से फिसल जाते हैं, है? फिसल जाते हैं, और ऊपर जो है अष्टभुजा रूप दिखाते हैं कंस को। और कंस जो है किसका भक्त था, दुर्गा देवी का ही भक्त था। कंस तो आश्चर्य हो जाता है, अरे मैं जिनका भक्त हूँ उन्हीं को मैं मारने जा रहा था। और दुर्गा देवी कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा,
तेरा अंत करने वाला कहीं प्रकट हो चुका है। ऐसे दुर्गा देवी अगर चाहे तो ये भी कह सकती थी ना कि यहाँ प्रकट हुआ था और उसको ट्रांसफर किया गया है गोकुल में कि नहीं, लेकिन दुर्गा देवी ने क्लियर नहीं बताई, है ना। दुर्गा देवी यही बोली कि कहीं प्रकट हो चुका है ना। तो फिर जो है कंस जो है क्या करता है, कंस को मतलब मन में बड़ा परिवर्तन आता है, फिर आके जो है देवकी और वसुदेव जी को क्षमा करता है, प्रार्थना करता है, देखिए ना ये सब कर्म का फल है, ऐसे मतलब गीता संदेश देता है किसको, देवकी और वसुदेव जी को, मैं दोषी नहीं हूँ, तो कर्म है, तुम्हारे बच्चों का कर्म है। और तो और ये देखिए ना, ये देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। मुझे बोले थे कि आठवां गर्भ जो है ये मतलब मेरा वध करेगा, लेकिन आठवां गर्भ जो है वो कन्या हो गई, दुर्गा देवी हो गई, और लेकिन कह रहे हैं कि दुर्गा देवी कहती है कि और कहीं पे प्रकट हुआ है मतलब उसको तो समझ में नहीं है कि पीछे क्या खेल हो चुका है उसको क्या लग रहा है कि ये जो देवताएं जो है मेरे साथ छल किए हैं, झूठ बोले हैं मुझे, और उन्हीं के कारण मैंने इतना पाप किया। ऐसे कह के वो क्या करता है, देवकी और वसुदेव जी को पूरा मुक्त करा देता है, और मुक्त करा के फिर जो है जाता है, लेकिन था तो कुसंगी, उसके संगी जो है सारे कुसंगी थे, तो वो सारे कुसंगी जो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, ये 10 दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं इस पूरा मथुरा गोकुल में सबको हम क्या करेंगे, सबको मार डालेंगे, है ना। तो इसी प्रकार फिर भगवान के लीला और भी सुंदर लीलाएं और आगे चलता रहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब आज ज्यादा से ज्यादा भगवान जी का स्मरण कीजिए, भगवान जी का नाम लीजिए और अपने अपने सेवा में तत्पर रहिए। जिसके पास कोई सेवा नहीं है तो वो आके मेरे से सेवा ले सकता है कि नहीं। आज पूरा अभी से सेवा शुरू, रात को लगभग 1-2 बजे तक, ठीक है। हरे कृष्ण।